मेरे साथ जो तगड़ी भयंकर वाली क्लोज हुई है ना वो ये, मैं जैसे एंटर हो रहा था और माउंट कर रहा था अपना कैमरा पे, और वैसे मेरे हाथ से गिरा कैमरा, और उसके बाद जो है कैमरा ऑन होने में नहीं आ रहा है। अभी जो है शिक्षा दी का फोन लिया है मैंने, मेरे पास फोन नहीं है। और थोड़ी ही देर में जो है ना भाई पर्दा हटने वाला है और गाड़ी आप लोगों के सामने आएगी थोड़ी ही देर में। अभी काफ़ी गेस्ट और मतलब स्टाफ मेंबर सारे आ चुके हैं भाई। हेलो दिशा जी, ये है भाई जिन्होंने मुझे इधर इनवाइट किया है। तो मैं सबसे पहले इधर मैम भी है। अभी कुछ ही टाइम में आप लोगों के सामने जो है गाड़ी जो है रिवील होने वाली है इधर जो है, और जो रिवील करने वाले हमारे MD सर रहे हैं। तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ भाई। और आज आप व्लॉग देख रहे हो भाई, आज हो रहा है शुरू जो है स्प्लेंडर से भाई। स्प्लेंडर से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि आज मैं कंपनी की जो स्प्लेंडर लेके पहले जा रहा हूँ भाई, एक जो है ब्रेक डाउन गाड़ी है तो उसकी पहले बैटरी डालनी है, और फिर जो है आज जो है एक रेनॉल्ट गाड़ी की ट्राइबर गाड़ी जो है लॉन्च हो रही है, तो वहाँ पे भी जो है मुझे व्लॉग शूट करने जाना है। तो इसीलिए मैं कहा भाई क्या लेके जाऊँ, तो कंपनी से काम भी था तो हो गए भाई दो काज एक बटन, और अभी चलते हैं कंपनी की तरफ। और अभी मैं हूँ भाई ऑन द वे, और पब्लिक मुझे जो है ना घूर घूर के देख रही है भाई, ये कौन सा राइडर आ गया, ये बड़े बड़े पीछे जो है ना डफड़े लटका के। तो अभी चलते हैं, और ये देखो भाई ये ऐसी देख रही है लड़कियाँ, ये कौन है छपरी राइडर, कौन से चल रहे हैं भाई स्प्लेंडर पे, कौन सा गोप्रो टांग के चल रहे हैं। गाड़ी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा भाई कि कैसी गाड़ी है, और मतलब मुझे भी कोई आइडिया नहीं उस गाड़ी के बारे में। तो अभी चलते हैं फटाफट से कंपनी की तरफ, और जल्दी से भाई दिखाते हैं आप लोगों को गाड़ी, और वीडियो में बने रहे भाई, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी मैं बस जस्ट पहुंचने वाला हूं। तो ये देखो भाई, भाई लोग भी ऊपर बुला रहे हैं कि भाई आजा, फंक्शन शुरू हो चुका है। मैं भी फटाफट से पार्किंग में लगा के चलता हूं। सो भाई अभी मैं जो है रेनॉल्ट में पहुंच गया हूं इधर, और मेरे साथ जो तगड़ी भयंकर वाली क्लोज हुई है ना वो ये, मैं जैसे एंटर हो रहा था और माउंट कर रहा था अपना कैमरा पे, और वैसे मेरे हाथ से गिरा कैमरा, और उसके बाद जो है कैमरा ऑन होने में नहीं आ रहा है। अभी जो है शिक्षा दी का फोन लिया है मैंने, कहा मेरे पास फोन नहीं है तो ब्लॉग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा। और रिपेयर भी मेरे हिसाब से यहाँ होगा नहीं, होगा चंडीगढ़ में भाई, तो अभी काफी ज्यादा मतलब दिक्कत ही बहुत सकता हूँ, दिक्कत होगी मेरे साथ, पंगा खड़ा हो गया। अभी मैं एंटर करवाता हूँ आप लोगों को अंदर इधर, जहाँ पे लॉन्चिंग हो रही है गाड़ी की। तो अभी चलिए इधर, गेम जो है कुछ ये है इस तरह से। जब तक हमारे पहले विजेता हमारे तो यहाँ पे चल रही है भाई इधर गेम अभी। ये अभी का चेयर आपकी जगह सिंह का चेयर है। स्टार्ट। मैं मिला तो उंगली, तुम मिली मैं मिला तो निया, जले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे अक्सर दिल में करे। चलो Thank you.
भाई अभी एक बार जो है मैं फिर से देखने जा रहा हूँ कि कैमरा ऑन हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा भाई तो फिर तो मतलब तगड़ी क्लोर हो रही है मेरे साथ जो है, और तगड़ा चुना लगने वाला है। मतलब भाई एक वो बचा हुआ था फोन, पहले टूट गया है, कैमरा बचा हुआ था वीडियो के लिए, और मैंने प्लान की थी राइड। तो भाई राइड भी कैसे हुई? नमस्कार भैया जी, बढ़िया जी। एक बार चेक कर लेता हूँ भाई ऑन हुआ है या नहीं। गियर का रखा है भाई इधर, और मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्पांस है इसका। ओ भाई ये गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, चार्ज तो नहीं हुआ पर गर्म बहुत हुआ है। ओ भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ये कसम से। मेरे 1500 से अप है, 1500। अभी जो मैंने तामझाम खोल के रख दिया है भाई, बट गर्म जो है ना, इतना गर्म हुआ है ना ये भाई, फेस पे लगाया मैंने एक बार जो है, और मतलब ऐसा कि फेस जो जलना शुरू हो गया था। और ये देखो इसमें जो है ना, लेंस में जो है ना, कुछ अंदर से ऐसा लग रहा है ना यार, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है भाई। अल्लाह मियाँ ठीक ही कर दो यार, क्या कर रहे हो आप भी, मतलब पहले ही गरीब और फिर ऊपर से गरीब को मार रहे हो आप भी। बाकी अभी उधर चलते हैं गेम्स वगैरह, तो आपको मैं गेम वगैरह दिखा देता हूँ उधर जो है, और अगर अपने फ़ोन के दर्शन करवाऊँ तो ये भाई नज़दीक से देख लो, जो ये करवा देता हूँ अपने फ़ोन के दर्शन, और अगर इससे वीडियो बनवाऊँगा फिर तो, और मेरे हाथ देख लो, मैं भी सीधा वर्कशॉप से आया हूँ भाई। अभी इतने जल्दी साफ होने नहीं थे रूम पे, मुझे टाइम लगा नहीं क्योंकि लेट हो रहा था इधर के लिए। अभी तो इधर थोड़े बहुत जो है गेस्ट होंगे और थोड़े बहुत जो है स्टाफ मेंबर्स हैं, बाकी कुछ लोगों को मैं इधर जानता हूँ भाई, बाकी आधे से ज़्यादा को मैं इधर जानता नहीं भाई। और अभी थोड़ा मन तो इतना ज़्यादा कर नहीं रहा है क्योंकि इतना बड़ा मेरे साथ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है मतलब। अभी चीफ गेस्ट जो आ चुके हैं, बट बिल्कुल शांत शांत एंट्री हुई क्योंकि जो है इधर गाना चला हुआ था। और ये जो आप देख रहे हो छोटा बच्चा जो है, ये है एमडी सर का मतलब लड़का उनका। वेलकम करें हमारी चीफ गेस्ट अरोड़ा सर और सिन्हा सर जी का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं इनवाइट करना चाहूंगा सिन्हा सर को। मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे रेनो से आए हमारे एएसएम मिस्टर धवन सर जी का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। कंप्लीट ईयर 11 ईयर हम कंप्लीट कर चुके हैं इंडियन मार्केट के अंदर, और तकरीबन हमारे 8 लाख हैप्पीएस्ट कस्टमर है मार्केट के अंदर। कस्टमर तो हमारी हैप्पीएस्ट कस्टमर अभी ऑलरेडी 2012 से इंडिया में इंट्रोड्यूस रेनो मार्केट में काम कर रहा है, तो तकरीबन 8 लाख हमारे हैप्पीएस्ट कस्टमर जो मार्केट में हमारी गाड़ी खरीद कर रहे हैं। आज हमारा जो मेन मुख्य उद्देश्य है हमारी कंपनी की तरफ से 3 हमारे नए वेरिएंट अपग्रेड करके लॉन्च कर रहे हैं हम, जिसमें कस्टमर्स का एक वैल्यूएबल फीडबैक था मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। हमारी ट्राइबल गाड़ी है जो 2021 में लॉन्च हुई थी, और 21 से लेके टिल 23 तक हमने तकरीबन 1 लाख हमारे हैप्पीएस्ट कस्टमर हैं, और
करेंगे हम गाड़ी, और मैं कस्टमर्स को बुलाऊंगा कि वो गाड़ी के फीचर देखें, समझे, डेमोंस्ट्रेट करें गाड़ी को। इससे पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा अगेन हमारे चीफ गेस्ट अरोड़ा सर जी को कि दीप प्रज्वलित करें मनदीप सिंह। सॉरी फॉर द डिले, मैं अगेन दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ कि बहुत देरी से आपको इंतजार यहाँ पे करना पड़ा। हमारे मीडिया प्रभारी संदीप जी, हमारे दूसरे प्रवक्ता भी यहाँ पे बैठे हुए भैया, तो काफी टाइम से हमने इनको रोक के रखा। आपको पता है आज के टाइम में सबके पास बिजी शेड्यूल रहता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल टाइम। जूनियर सिंगर जी बोल रहे हैं ना, जूनियर सिंगर जी आपका ध्यान रखते हुए तो लोगों को अभी गाड़ी की लॉन्चिंग के लिए जो है केक अपना रेडी है इधर, और मैम जो इसे ओपन कर रहे हैं इधर जो है, और मैं इधर भैया से भी मिलवा देता हूँ। ये है एमडी सर के खास पायलट बोल सकते हैं, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं ना सर का, इनका योगदान काफ़ी रहता है भाई कंपनी में जल्दी पहुँचाने के लिए और रोज दिल्ली टाइम से लाने के लिए। अभी सर जो है ना पहले दाढ़ी मूछ वाले होते थे भाई बहुत, और अब जो है सर ने बिल्कुल दाढ़ी कटवा लिया। फर्स्ट डे आया जब सर तो मैंने पहचान नहीं पाया, मैं कहा ये नया बंदा कौन आ गया भाई इस बार जो है, और सभी मिल रहे हैं। मैं बाद में ध्यान से देखा, मैं कहा ये तो अपने ही बंदे हैं। और ये है भाई केक इधर जिस पे जो है रेनॉल्ट का लोगो बना हुआ है, इधर लोग देख सकते हो। और थोड़ी ही देर में जो है ना भाई पर्दा हटने वाला है और गाड़ी आप लोगों के सामने आएगी थोड़ी ही देर में। अभी काफ़ी गेस्ट और मतलब स्टाफ मेंबर सारे आ चुके हैं भाई पीछे जो है। फर्स्ट टाइम हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है पैन इंडिया, और बहुत सी हमारी अभी तक मोर देन 1000+ बुकिंग इस गाड़ी की आ चुकी है। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आज कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ पे चाहे एग्जिस्टिंग कोई गाड़ी रिप्लेस करवाना चाहते हैं या कोई नई ड्रेस बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो वी हैव एक्साइटिंग ऑफर ऑन दिस कार, और हम इस गाड़ी की बुकिंग के ऊपर आपको सरप्राइज कुछ गिफ्ट भी प्रोवाइड करेंगे, और सेकेंडली बहुत एक हैंडसम डिस्काउंट लाइक दैट ऑन द ऑफर्स भी अवेलेबल करवाएंगे। और पुराने मेरे जो एग्जिस्टिंग रेनो की ऑलरेडी जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, उनके लिए बहुत ही हमारे पास एक लॉयल्टी स्कीम है कंपनी की, जो एक्साइटिंग स्कीम्स है। तो हम सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर अभी गाड़ी को अनवील करेंगे। मैं यशपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और थोड़ा गाड़ी के बारे में बता करता हूँ हमारे फाइनेंसर और कस्टमर का, और हमारे बीच जो आज के मुख्य अतिथि और हमारे एमडी सर। तो जो मैं आपको हमारे पास लॉन्च कर रहे हैं हम रेनॉल्ट ट्राइबार्टी अर्बन नाइट लिमिटेड एडिशन में, तो इसमें जो हमारे पास 8 फीचर हमने जो इसमें चेंज किए हुए, तो इसमें इतने अच्छे फीचर जो अभी तक हमारे पास जो अब 12 से 15 लाख की गाड़ी में आते थे, हमने इसमें 9 लाख की गाड़ी में हमने ये फीचर दिए हुए। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे बेस्ट फीचर है वो है स्मार्ट मॉनिटर सिस्टम, जो आपको इंटीरियर में अंदर मिलेगा। अगर मान लो उसमें कुछ आपको दिक्कत करता है, वो आपको ना वीडियो रिकॉर्ड करेगा, जैसे कोई इम्पैक्ट एक्सीडेंटल चांस होता है कुछ भी होता है, तो उसको सेंस करके रिकॉर्डिंग बनाएगा। इन फ्यूचर अगर कभी देखना चाहते हो उसको देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास पेडल लैंप है, जैसे आप डोर ओपन करते तो पेडल लैंप की जो ड्राइवर में नीचे आपको रिनॉल्ट लिखा हुआ। उसके बाद अंदर इसमें स्कर्ट प्लेट मिल रही है जो काफी अच्छी लुक्स इनहांस करती है गाड़ी की। उसके बाद उसमें रियर ट्रंक लाइनर क्रोम आती है जो भी गाड़ी को काफी अच्छा लुक्स को इनहांस कर देती है, और फ्रंट लुक्स है वो भी गाड़ी को काफी ज्यादा इनहांस कर देती है। बाकी जो आपको प्रैक्टिकली फीचर है वो हम प्रॉपर गाड़ी चेक करा के बता देंगे आपको। बाकी सर ने आपको बता दिया कि ये हमारे पास जो 8 लाख गाड़ी सेल आउट हो चुकी है उसके उपलक्ष्य पे हमने ये गाड़ी लॉन्च की है, ट्राइबर क्विड और टाइगर। इसके बाद हम आपको ये जब लॉन्च करेंगे तो आपको ये गाड़ी हम प्रॉपर चेक करवाएंगे और प्रैक्टिकली आपको गाड़ी में दिखा देंगे। अभी कुछ ही टाइम में आप लोगों के सामने जो है गाड़ी जो है रिवील होने वाली है इधर जो है, और जो रिवील करने वाले हमारे एमडी सर रहे हैं और उनका बेटा, और ये गाड़ी जो अभी लॉन्च हो चुकी है हमारे न्यू लिमिटेड एडिशन ड्राइवर, जो मोस्ट अवेटेड कार है आज के टाइम में। और फैमिली के लिए मैं अगर बात करूँ 6+1 में दिस इज वन ऑफ द वैल्यूएबल कार, और सेकंडली मैं बताना चाहूंगा ये आपको सेफ्टी में 5 स्टार हमारी रेटिंग है एनकैप ग्रुप।
अभी एमडी सर जो है गाड़ी जो है अंदर से बैठ के देखने वाले हैं। देखने के लिए सारे इनवाइटेड हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम टू ऑल द कस्टमर्स, टू ऑल द बैंकर्स, मीडिया प्रभारी, ऑल द फाइनेंसर्स, प्लीज आइए हम लोग प्लीज तब तक आप चेक कर नजर कर सकते हैं। बाकी ऐसे जो रहेगा रिकॉर्डिंग वो 3 मिनट तक रहेगी सर। और बाकी ये इसमें 8 इंच की डिस्प्ले आएगी और रिवर्स आपको बैक कैमरा मिल जाएगा। इसमें एक अपर ग्लोव बॉक्स, लोअर ग्लोव बॉक्स, लोअर ग्लोव बॉक्स में आपको कूल्ड भी मिलता है, जैसे पानी की बॉटल या आपने कुछ मेंटेन करना है उसके तो उसको मेंटेन कर रख सकते हो आप, या अपर ग्लोव बॉक्स भी है। बाकी इसके बाद आप रिवर्स बैक कैमरा मिल जाएगा आपको। सेफ्टी रेटिंग में 4 स्टार है सर, इंडिया की नंबर ऑफ सेफेस्ट गाड़ी है जिसमें आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलेगी 7 सीटर में, और किसी गाड़ी में 7 सीटर में सेफ्टी रेटिंग नहीं मिलेगी इतनी। और स्टेयरिंग भी हाइट के साथ एडजस्ट करते हैं, मान लो आपने अप डाउन करना, कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप। ये ऑटोमेटिक भी मैनुअल दोनों में आती है सर, ऑटोमेटिक में भी और मैनुअल भी। ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक में फिर आपको उसमें माइनस और प्लस का निशान आएगा फिर। बाकी आप रियर में बैठ कर देखना चाहे रियर में बैठ सकते हैं आप, और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, शेयर करिए। और सबसे अच्छी बात क्या सर, इसमें ना ब्लैक कलर टॉपिंग आया नहीं था अभी तक ना, ये ब्लैक कलर उसी अपलक्ष पे दिया हुआ जो 8 लाख रुपया कस्टमर हमारे पास, और बहुत अच्छी लग रही गाड़ी तो इतनी प्यारी लुक आ रही है ना भाई ब्लैक कलर में जो है। और ये 7 सीटर कार है भाई, इधर 7 सीटर कार मिलने वाली है। और इसमें जो इंजन मिलेगा आपको 999cc, मतलब 1000cc का आप लोगों को इंजन मिलने वाला है इसके अंदर। और टायर साइज की बात की जाए तो 185/65 R15 का इसमें साइज टायर साइज जो मिलेगा, जो थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस को आपको जो है थोड़ा बेहतर बनाता है भाई, मतलब अच्छी खासी आप लोगों को जो है ग्राउंड क्लियरेंस इसमें जो है मिलने वाली है नीचे से, आप देख सकते हो इसमें, जो कि पहाड़ों में थोड़ा मदद करेगा आप लोगों को गाड़ी चलाने के लिए जो है। और जैसे ही आप लोग जो है एंटर करते हो और डोर खोलते हो ना भाई, रेनॉल्ट का आप लोगों को सिल्वर प्लेट में और बिल्कुल जो है LED वाइट कलर में रेनॉल्ट का जो है लोगो लाइट जली हुई मिलेगी भाई आप लोगों को जो है, तो जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है इस चीज़ में। कस्टमर से बात करने का कोशिश सर जी, कैसी लग रही है आप लोगों को गाड़ी है? बहुत बढ़िया सर। और कलर क्या कैसा लगा आप लोगों को? ब्लैक कलर में आई है ये, बहुत बढ़िया प्यारी लग रही है ना सर। और फीचर्स देखे आप लोगों ने इस चीज़? हाँ जी, फीचर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो डैशबोर्ड है इसका जो है 2 टोन में दिया गया है, ब्लैक हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर कलर की पट्टी दिखाई दे रही है 2 टोन में इसकी। ओके, गाड़ी बहुत बढ़िया है, गाड़ी अच्छी लग रही है देखने में, बाहर से तो प्यारी लुक आ रही है इसमें जो है। अभी आप लोग देख सकते हो भाई इसमें 7 सीटर गाड़ी है, 2 बंदे पीछे बैठेंगे, 3 बीच में आएंगे इधर जहाँ पे मैं बैठा हूँ, और 2 आएंगे आगे, एक हो गया जो ड्राइवर सीट पे और दूसरा हो गया पैसेंजर सीट पे भाई। अंदर से अगर गाड़ी की बात करूँ भाई तो पूरा जो है डिजिटल आप लोगों को मीटर मिलने वाला है इसके अंदर, और जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम की बिल्कुल टच स्क्रीन मिलने वाली है, कंट्रोल पैनल देख लीजिए आप बटन के साथ मिलेंगे, और स्टार्ट स्टॉप बटन है जो इसका अलग फीचर है एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और एक बार मैं की दिखा देता हूँ भाई आप लोगों को, जो की दे रखी है ना वो ये चेक करो ज़रा एक बार, कीलेस रिमोट दे रखा है इसमें जो है, ये अलग है कुछ, ये बिल्कुल फ़ोन की तरह दिखाई दे रही है भाई ये आप लोगों को। एक बात है कि मॉनिटर करने के लिए इसमें जो है डैश कैमरा भी दे रखा है, जो कि लोकेट है बिल्कुल आप लोग देख सकते हो इधर पीछे मिरर के पीछे, ये रहा इधर पीछे। और एयरबैग की अगर बात की जाए तो 2 एयरबैग है पैसेंजर और ड्राइवर सीट में, आपको जो है एयरबैग मिलने वाले हैं इसमें। रेनो ड्राइवर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ड्राइवर क्विड और काइगर, ये गाड़ी हमारी लास्ट 2 ईयर से मार्केट के अंदर चल रही है, लोगों का बहुत रुझान था कि दे आर जस्ट वांट टू सी द कार इन ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर की बहुत डिमांड को देखते हुए रेनो इंडिया ने डिसाइड किया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया कलर ब्लैक, और बहुत अट्रैक्टिव लुक है ब्लैक कलर की। सो भाई सर से मिलवा देता हूँ जो कि रेनॉल्ट में, सर खुद ही बता दीजिए आप मुझे ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, माई सेल्फ शशिकांत शर्मा, आई एम सेल्स हेड ओवर हेयर इन द JPS ग्रुप, और आज हमने यहाँ पे जो है न्यू कार का लॉन्च रखा हुआ है JPS मोटर रेनो सोलन में, तो मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच आपका, जो हमें लाइव अपना ब्लॉग में के जो थ्रू हमारी गाड़ी को प्रमोट करेंगे, हमारी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ओके सर, और कैसी लगी आपको गाड़ी ये? सर गाड़ी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कस्टमर्स को मैं यहाँ मीडिया के थ्रू एक्सप्लेन ज़्यादा फीचर्स नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज इसमें बहुत एक्साइटिंग फीचर्स एड ऑन हुए हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वो शोरूम पे आएँ और इन फीचर्स को देखें, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लें,
और यहाँ पे जो एक्साइटिंग ऑफर्स चल रहे हैं गाड़ी के उनको इंजॉय करें बिफोर 30th ऑफ अपकमिंग दिस मंथ सर। शोरूम की लोकेशन हमारी सोलन हेड ऑफिस है, सोलन में हमारा नियर MC ऑफिस, JP बिजनेस पार्क में हमारा ऑफिस है विद 3S फैसिलिटी, सेल सर्विस और स्पेयर एवरीथिंग इज अवेलेबल। और मेरे 3 ब्रांच ऑफिस हैं, एक पौंटा साहिब में है एडजॉइनिंग यूको बैंक बद्रीपुर चौक, और बद्दी में है हमारा शोरूम, वहाँ पे 2S फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है, शिमला सेक्टर के साथ में हमारी ब्रांच अवेलेबल है, तो कहीं पे भी आप जाओगे वहाँ पे आपको गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी सर। ओके सर, गर्मी में हालत जो है पतली हो गई है। अभी मैं कर लेता हूँ थोड़ी दीक्षा दी से बात इधर। हेलो दीक्षा दी, ये है भाई जिन्होंने मुझे इधर इन्वाइट किया है, तो मैं सबसे पहले इधर मैम भी है, इधर मैम भी है, सबसे पहले मैम अपना नाम बता दी। शीतल सेल डिपार्टमेंट में, ओके। और इधर है दीक्षा दी जो कि हमारे टाटा मोटर्स में, मुझे पता नहीं किस डिपार्टमेंट में है, एक्सचेंज हेड डबल ग्रुप हेड, और टाटा एंड रेनॉल्ट बोथ, टाटा और रेनॉल्ट दोनों में जो है बराबर काम करते हैं भाई, सारा संभालते हैं, और है भी भाई मेरी साइड से ये। तो अभी सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि गाड़ी की फर्स्ट लुक कैसी लगी आपको? मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लुक लगी, और मुझे जो है गाड़ी देख के बहुत अच्छा फील हुआ। सबसे प्यारा, सबसे फर्स्ट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, मुझे कलर इसका बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और ज़रूर हमारे शोरूम में विज़िट करें गाड़ी देखने के लिए। मैं इसको ब्लैक बिस्ट का नाम दूँगी। ओके, रेनॉल्ट पैशन फॉर लाइफ। ओके, और क्या बोलना चाहोगे? मैं सारे कस्टमर्स का, सारे जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी इस टाइम पे ये ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे शोरूम विजिट करें और गाड़ी को देखें और टेस्ट ड्राइव के लिए कॉन्टेक्ट करें। चलो ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को गाड़ी दिखा दी है, कुछ और बोलना आपको अगर? नहीं, थैंक यू। ओके, और अभी मुझे जल्दी से निकलना है इधर से टाटा के लिए, और जब भाई बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं मुझे इधर से वहाँ से जो है ना, और जो दिक्कत आई है वो तो अलग है भाई, वो ठीक करवाने भी जाना है अभी जो है, तो अभी इधर से निकलता हूँ भाई, और अभी जाना है मुझे जो है क्या बोलते हैं, नाम भूल गया भाई, हाँ न्यू DC ऑफिस जो है, SDM मैम की जो है गाड़ी में बैटरी डालनी है उधर जो है।